वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के घर सैकड़ों महिलाएं जुटी हैं। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में महिलाएं संसद जा सकती हैं। और अधिक अपडेट के लिए तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, देखिए आज का जो एक विशेष मुद्दा है वो है महिला आरक्षण बिल, और इसके समर्थन के लिए महिलाएं आज संसद में जा सकती हैं, और इससे पहले केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के घर पर भी सैकड़ों महिलाएं पहुंची हैं। बिल्कुल पिंकी, 14 महादेव रोड की आप तस्वीरें देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट को मैं कहूंगा कि महिलाओं की तस्वीरें दिखाएं, जिससे कि अंदाज़ा हो सके कि बीजेपी के लिए ये इतना बड़ा दिन क्यों है। और सैकड़ों की तादाद के ऊपर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के घर पर महिलाओं का जुटना शुरू हो चुका है। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर कुछ केंद्रीय मंत्री आ सकते हैं, और उसके बाद एक प्रोसेशन चलेगा जहां पे संसद जाकर धन्यवाद दिया जाएगा कि महिला आरक्षण बिल आखिरकार कैबिनेट से पास हो गया है और वो संसद के अंदर, नई संसद के अंदर आ सकता है। कौसर जहां हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली हज कमेटी के ऊपर भाजपा की ये पहली अध्यक्ष हैं। एक महिला सशक्तिकरण का मैसेज देने की कोशिश भी इस जरिए हुई है कि एक महिला को, एक मुस्लिम महिला को ऐसी कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है जो कि कई बार मुमकिन नहीं लगता हुआ दिखता था। कौसर जहां से हम बात करते हैं, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। मैम, कल्पना की थी कि नई संसद के अंदर जो पहला बिल आएगा महिला आरक्षण का होगा? देखिए, कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये संभव तो है। कितनी खुशी है, क्योंकि लंबा संघर्ष है इसके पीछे। बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारक दिन है, और इसको जो है कानून तो इसको आज बनाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले इस दिशा में काम तो पिछले 9 वर्षों से हो ही रहे हैं, और जिस गति से हो रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। महिलाओं की दिशा और दशा बदलने का काम तो मोदी सरकार में ही हुआ है, उनको सशक्त बनाने का काम। एक माइनॉरिटी से जुड़ी महिला ऐसी बोलती है तो इसका मैसेज दूर तक जाता है। जी बिल्कुल, आप देखिए ना, हमारी मुसलमान बहनों के लिए और किसने सोचा, उनको और सशक्त और महफूज बनाने के लिए, ट्रिपल तलाक का कानून के लिए, और किसने सोचा। और मेरे ख्याल से एक छोटा सा उदाहरण मैं भी तो हूँ, आप बताइए ना, आज एक महिला को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जब दिल्ली हज कमेटी में बनाते तो एक महिला को बनाया गया। मेरे ख्याल से यही बहुत कुछ कहता है। क्या आज की तैयारी क्या है? तैयारी ये है कि मेरी पूरी शुभकामनाएं, नहीं, यहाँ से संसद जाया जाएगा, धन्यवाद दिया जाएगा, दर्शक दीर्घा में बैठा जाएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी क्योंकि इस बड़े दिन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। जी हाँ बिल्कुल, अभी यहाँ से जो है हम जाएंगे, इंशाल्लाह पार्लियामेंट जाएंगे, और आगे जैसा भी आदेश आता है। आप क्या कहना चाहेंगी, खुशी तो महसूस हो रही है आपकी शक्ल से? देखिए, बहुत ऐतिहासिक पल है भारत की आधी आबादी के लिए, मतलब इतना खुशी का पल है हमारे लिए, क्योंकि उससे पहले भी बहुत लोगों ने बिल आए और चले गए, बिल आए और चले गए, लेकिन महिलाओं के लिए सोचने वाली पहली सरकार है। इस देश की प्रधानमंत्री महिला भी रही है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इस तरीके से महिला को आरक्षण देना चाहिए, या महिलाओं के लिए शौचालय होना चाहिए, या महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना चाहिए। एक पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं की चिंता करी है, जिसने महिलाओं के लिए एक इतना ऐतिहासिक, मतलब हम अपने शब्दों में उस चीज़ को बयान नहीं कर पा रहे अपनी खुशी को, कि किस तरीके से मोदी जी ने हमको ये तोहफा दिया है। तो हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या तस्वीरें देख के ऐसे लग रहा है कोई त्यौहार बन रहा है? त्योहार तो नहीं, बट हाँ ये जरूर है कि जो विमेन एम्पावरमेंट है, आप ये देखिए, 2 से 3 दशक पहले जो बिल पास होने से अटका पड़ा था, मतलब कुछ सालों पहले वो टेबल अब होता है राज्यसभा में, जब हर जगह एक विमेन सीट पर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो सोनिया गांधी है, तब भी वो बिल पास नहीं हो पाता। मोदी जी ने हमारे में विश्वास दिखाया है कि जो फीमेल्स लोकल गवर्नमेंट संभाल सकती हैं, वो असेंबली और लोकसभा भी संभाल सकती हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज ये बिल पास होगा। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सालों साल जिस चीज़ का इंतजार कर रही थी महिलाएं, आज वो समय आ गया है। और मैंने तो बीजेपी तब ज्वाइन किया जब तो मेरा छोटा बेबी भी नहीं हुआ था। अब सालों साल बहुत सारी सरकारें आई है, ट्रिपल तलाक, 370 धारा, राम मंदिर, अब महिला आरक्षण बिल, तो आज देख रहे हैं, आज सारा मेला जैसा लगा हुआ है, महिलाएं बहुत खुश हैं। और इसका कैरिट पहले हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को जाता है, और अब हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए जाता है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। किस तरह से खुशी जाहिर करेंगी, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। देखिए, मोदी जी ने निश्चित रूप से आज का दिन
ऐतिहासिक दिन बना दिया है। और आज क्योंकि विशेष सत्र है और विशेष सत्र में पहला बिल महिला आरक्षण विधेयक पास होने जा रहा है और कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है इस बिल को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये दिन इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से लिखे जाने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं को सशक्तिकरण दिया और निश्चित रूप से आर्थिक, सामाजिक और जो है आज राजनीतिक रूप से भी सशक्त किया है और उत्कृष्ट समाज का निर्माण करने में महिलाओं की अग्रणी भूमिका होती है। और आज जिस प्रकार से मोदी जी ने ये बिल आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आज महिलाओं का चेहरा कमल के फूल की तरह खिला हुआ है। और मैं तो इतना ही कहूंगी कि मोदी जी आपकी जय जयकार हो रही है पूरे देश में और विश्व में तो डंका बजाई है। और निश्चित रूप से आज महिला वर्ग आकर के झूम झूम के गागा करके ये महिलाओं को धन्यवाद तो दे रही है। और मैं इतना कहूंगी, अरे मोदी तेरी हो रही जय जयकार, वीरज में आज डंका बाजे, अरे मोदी तेरी हो रही जय जयकार, बीरज में आज डंका बाजे। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया गांधी लेकिन कह रही है, चूंकि आप राजनेता हैं, वो कह रही हैं कि इट्स आवर्स, ये हमारा बिल था, क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है। देखिए, मुझे इस बात में ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लाने वाले तो कोई और थे लेकिन पास किसी ने किया तो 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि महिलाओं के सम्मान में हमेशा मोदी जी आगे आते। 3 तलाक का बिल पास करना, महिलाओं को बेड़ियों से आजादी दिलाना, महिला आरक्षण बिल पास करना, और सिर पर सहरा तो उसी के बंधेगा जिसने इस बिल को पास किया है। तो आज महिला वर्ग निश्चित रूप से जो है धन्यवाद देती है। और ये बात कहते हुए हम लोग झूम झूम कर कह रहे हैं कि मोदी जी आप हैं तो मुमकिन है, देश में मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो 56 इंच का। सोनिया गांधी जी जब पार्लियामेंट में थी आज से 15 साल पहले भी, तब भी वो महिला होकर भी इस बिल को पास नहीं करवा सकी। आज हम 33% तक पहुंचे हैं तो उसका श्रेय सारा का सारा जो है मोदी जी को जाता है। आधी आबादी का लग रहा है वोट मिलेगा मोदी जी। बात आधी आबादी की नहीं है, बात महिलाओं के विश्वास की है। इतना बड़ा, इतनी बड़ी संख्या में रिजर्वेशन हमें मिलना, ऐसा नहीं है कि मोदी जी आज इस बिल के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट बिल। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उज्ज्वला योजना जो उन्होंने गांव-गांव तक पहुंचाई, जो लोगों को धुआं से मुक्ति मिलाई, वो महिला सशक्तिकरण को हमेशा से ही बहुत सेंसिटिव थे। टॉयलेटें बनाना महिलाओं के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उनका कितना, किस तरह की सोच है महिलाओं को लेकर, ये इम्पोर्टेंट है। और उसी कड़ी में ये बिल आना था और हमें पूरी श्योरिटी थी कि ये पास होगा, तो डेफिनेटली महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारा उस सरकार के अंदर डिसीजन मेकिंग में हमारा रोल रहने वाला है। धन्यवाद। ठीक है तरुण, देखिए तरुण, जहाँ तक आपने कहा सोनिया गांधी जी इसको, इसका श्रेय लेना चाहती हैं, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वो तो श्रेय जितना भी एक संगठन बना लिया था उन्होंने सारे भेड़ियों ने मिलकर G20 को भी फेल करने के लिए, लेकिन मोदी जी ने G20 को भी पास करके दिखाया, विश्व में अपनी छाप छोड़ के दिखाई है। ठीक है तरुण, समय की कमी है, रिएक्शन हमने सबके लिए लिए हैं और खुशी यहाँ पर नजर आ रही है कि कितनी खुशी महिलाएं हैं और महिलाओं की भागीदारी अब किस कदर बढ़ने वाली है ये हम देख पा रहे हैं। खुशी साफ साफ नजर आ रही है और बिल का या तो विरोध होता है और अगर विरोध नहीं होता है, समर्थन होता है, तो उस पर क्रेडिट वोर भी जरूर होती है। फिलहाल शुक्रिया तरुण आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।